फरारी कंपनी की शुरुआत सबसे पहले साल 1939 में हुई थी। 1962 में कंपनी ने सबसे महंगी कार का प्रोडक्शन किया था और उस कार का नाम था फरारी 250 GTO। इस कार को एक बड़े बिजनेसमैन ने 2012 में $35 मिलियन में खरीदा था और ये कंपनी की सबसे महंगी कार थी जिसमें V12 इंजन लगा था। फरारी हर साल सिर्फ 8,000 कारें बनाती हैं, जिनमें से कुछ कारें बिकने के लिए होती हैं। इनकी कीमत 1.2 मिलियन यूरो यानी 9 करोड़ पीस होती हैं। फरारी के चीफ मार्केटिंग और कमर्शियल ऑफिसर तय करते हैं कि फरारी की लिमिटेड एडिशन किसे मिलेगी और इस कार को कौन नहीं खरीद सकता। आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि फरारी अपने एम्प्लॉयज को ये कार खरीदने की परमिशन नहीं देती। ये थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन बिल्कुल सच है। दोस्तों, फरारी कंपनी के चीफ मार्केटिंग एंड कमर्शियल ऑफिसर ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि क्लाइंट हमारी कार को खरीदने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में ये सही नहीं होगा कि कार वर्कर्स को दे दी जाए और क्लाइंट्स को इंतजार करना पड़े, क्योंकि इसे लेने का राइट सबसे पहले हमारे क्लाइंट्स का होता है। इस वक्त कंपनी के सिर्फ 2 वर्कर्स के पास ही फरारी कार है, लेकिन कंपनी ने उनको भी ये कार बिना डिस्काउंट के दी है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में फरारी के चीफ ऑफिसर ने बताया कि वे कैसे तय करते हैं कि कार किसे बेची जाए। उन्होंने बताया कि लिमिटेड एडिशन की वजह से ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो कार खरीदना चाहते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे मुश्किल काम किसी को ना बोलना होता है। फरारी एक बार में अपने 200 क्लाइंट चुनती है। ऐसे में कंपनी 200 लोगों को मेल के जरिए फरारी की चाबी भेजते हैं और पूछते हैं कि क्या आप बिना देखे इसे खरीदना चाहोगे। तो कैसा लगा आपको फरारी कंपनी का सेलिंग स्टाइल?